नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर खिड़की अलीबेग स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा को अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और एसपी सिटी विजय पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। नगर कीर्तन शोभा यात्रा शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण से पंज प्यारे की अगुवाई में निकाली गई। शोभा यात्रा खिड़की अलीबेग स्थित गुरुद्वारे से निकाली। ये शोभा यात्रा कसाबवाड़ा, फतेहगंज चौक, जमुनिया बाग, गुदरी बाजार चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा का कसाबवाड़ा में पार्षद फरीद कुरेशी और माजिद खान शेरू मुगीज और मोहल्ले वासियों ने शोभा यात्रा में अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं सभी जगह जगह पर श्रद्धालुओं और सिख समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में राजेंद्र सिंह छाबड़ा, प्रतिपाल सिंह पाली, गुरुचरण सिंह, प्रतिपाल सिंह गांधी, जसवीर सिंह सेठी, महंत राजू दास, रवि सिंह शामिल रहे। गुरु गोविंद सिंह जी की इस पावन जयंती की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाएं। आज इस प्रकाश पर्व में अयोध्या से संत के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोग और ये प्रभात फेरी में हम लोग साथ इस जुलूस में निकल रहे हैं और इस शहर के प्रमुख जगह होते हुए पुनः गुरुद्वारा खिड़की अलीबेग तक हम लोग आएंगे। आज यह कार्यक्रम है, आज इस प्रकाश पूरे देश को शुभकामना संदेश देना चाहेंगे। जिस प्रकार से अपने गुरुओं ने सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा राष्ट्र की संवर्धन संरक्षण और मानवता का किस प्रकार कल्याण हो, मानवता का किस प्रकार सेवा भाव हो, जिस प्रकार से गुरुओं ने किया है उनके पद चिन्हों पर चल कर और थोड़ा सा कोशिश करें। आज का समय क्या है, आज इतने लोग दुनिया लोलुपता में व्यस्त है, इतने लोग अपने स्वार्थ में मदमस्त है कि समाज के लिए कोई कुछ करना चाहता नहीं। अगर वही व्यक्ति करने वाले हैं जो समाज से कुछ अपेक्षा रखते हैं, वही व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, नहीं तो सामान्य जो लोग हैं वो अपने ही कमाने खाने में मस्त हैं, सामाजिक सरोकार से कोई वास्ता नहीं रखते। तो समाज के हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अपने जो महापुरुष हैं, अपने जो सत्पुरुष हैं, अपने जिन्होंने राष्ट्र सनातन धर्म संस्कृति और महापुरुष के बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए। आज जो जुलूस जो निकला है किसके उपलक्ष्य में निकला उसके बारे में बताएं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 9 तारीख को अवतार पर्व है, उसी खुशी के संबंध में आज ये नगर कीर्तन निकला है गुरु जी का जन्मदिन की खुशी में। तो 9 तारीख को जो गुरु महाराज जी का पटना में होता है तो यहाँ भी मनाया जाएगा गुरुद्वारा दुगनवार में 9 तारीख को, उसी खुशी में आज ये नगर कीर्तन निकला है। ये जुलूस कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से? उनके आगे चौक से होके फिर वापस मानीगंज से होके रकाबगंज होके वापस गुरुद्वारा दुगनवारन पहुँच जाएगा। आदेश देना चाहेंगे सभी इंसानों को, जो प्रभु ने इंसान बनाया है, भगवान बनाया है, सभी को ये संदेश है कि जो ये इंसान का जीवन मिला है, मानस का जीवन मिला है, उसका असली मनोरथ है कि प्रभु का भजन करना, उसमें मिलके प्रेम में रहना, यही गुरुओं का संदेश है, यही अवतारों का संदेश है। सभी को मिलके रहना चाहिए, सभी का भाईचारा एक होना चाहिए और सभी प्रभु के चरणों में इंसान जो आया है, धर्म एक ही है, उसके रास्ते लैदा लैदा है, पहुंचना एक ही जगह पे है, सभी ने कोई जगह दूसरी नहीं है जहां पहुंचना है, पहुंचने की जगह एक ही है, उस वहां पहुंचने में रास्ते लैदा लैदा है। जैसे अयोध्या फैजाबाद में आना है तो नेक रास्ते हैं पहुंचने के, ऐसे प्रभु के पास पहुंचने के भी रास्ते नेक हैं, पर प्रभु एक ही है। वो अल्लाह के रूप में है, वो वाहेगुरु के रूप में है, वो राम के रूप में है, वो रहीम के रूप में है, वो है एक ही, तो वो एक ही पास में पहुँचना है, उसके रास्ते लैदा लैदा है। तो इसलिए सबको ये प्रार्थना है कि सब प्यार से मिलके और प्रभु की भक्ति करें, यही हमारा संदेश है और इसी से इंसान का जीवन जो है एकता में जुड़ेगा, प्रभु की भक्ति जुड़ेगा। बाबा महेंद्र सिंह है, गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या में स्थान है।